दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गरीब राजा 1.0 में। दोस्तों मैं आपका दोस्त दीपक चौधरी, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान बेरोजगारी भत्ते का नया अपडेट, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं यहाँ पर अब बंद होगी बेरोजगारी भत्ता इंटर्नशिप, आप घर बैठे मिलेंगे 4,000 एंड 4,500 रुपये। तो दोस्तों ये अपडेट जो आया इसमें दिया है सरकारी इंटर्नशिप का फंडा, अफसर ऐसी स्कीम लेकर आए हैं कि 7 महीने में 1,78,000 युवा भत्ते की लाइन से बाहर हो गए। दोस्तों यहाँ से गवर्नमेंट हर बार जो स्टूडेंट है बेरोजगार है उन्हें यहाँ से बेरोजगारी भत्ते से पर मंथ बाहर कर रही है, एंड यहाँ से कम लोगों को बेरोजगारी भत्ते देने का यहाँ से प्लान है। तो दोस्तों ये कंप्लीट क्या डिटेल है हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों राजस्थान बेरोजगारी भत्ता आज के टाइम पर जो युवा पीढ़ी है जो बेरोजगार है उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। गवर्नमेंट इसमें नए से नए नियम हर बार लेकर आती है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा यहाँ से फ्री घर बैठे बेरोजगारी भत्ता मिलता था, लेकिन गवर्नमेंट ने 1,000 रुपये क्या बढ़ा दिए, आपको इसमें 4 घंटे की इंटर्नशिप करनी पड़ती है, जिसका विरोध यहाँ पर हो भी रहा है। एंड कुछ मंत्री यहाँ से ये भी कहते हैं ये इंटर्नशिप सही है, यहाँ पर जो सही बेरोजगार है उन्हें ये भत्ता दिया जा रहा है। तो ये क्या डिटेल है हम अब एक बार ये न्यूज़ पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर जैसे कि सरकारी इंटर्नशिप का फंडा, अफसर ऐसी स्कीम लेकर आए कि 7 महीने में 1.78 लाख युवा भत्ते की लाइन से बाहर हो गए। मंत्री चांदना जी ने कहा है कि इंटर्नशिप जोड़ना अच्छा फैसला, इससे वाकई में बेरोजगार और ज़रूरतमंद ही ले रहे भत्ता, बेरोजगार चरम पर हैं और राज्य सरकार ने जब से बेरोजगारी भत्ता लेने वालों के लिए इंटर्नशिप का नया नियम लागू किया तब से भत्ता लेने वालों की संख्या घटती जा रही है। आलम यह कि जनवरी में जहाँ 3.5 लाख बेरोजगारी भत्ते लेने वाले कतार में थे वहीं मात्र 9,000 आवेदन भत्ते के लिए पेंडिंग है। इसके अलावा 15,000 पिछले महीने में नए आवेदन आए जिनकी जांच होना बाकी है। अभी 1.91 लाख बेरोजगार को भत्ता दिया जा रहा है। प्रदेश में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 17.5 लाख है। 2019 में 5.91 बेरोजगारों को भत्ता दिया जा चुका है। दोस्तों अगर हम देखते हैं हर महीने ऐसे बेरोजगार होते जा रहे हैं कम, फरवरी में यहाँ पर 27,000 हुए थे एंड अब हम जुलाई में देखते हैं तो यहाँ पर लास्ट 26,000 बेरोजगार यहाँ से लिस्ट में कम हुए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ने अभी सहमति मौखिक की थी, ज्वाइनिंग नहीं किया तो भत्ता बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इंटर्नशिप होती है तो यहाँ आपको सहमति देनी भी होती है, वो आप यहाँ मौखिक दे सकते हैं। रजिस्टर में बेरोजगारों के इंटर्नशिप के लिए मौखिक सहमति भी जताई थी, फिर बेरोजगार सरकारी कार्यालय में ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो 15 दिन के बाद में उनका बेरोजगारी भत्ता यहाँ से बंद कर दिया जाता है। ये गवर्नमेंट ने एक और नया नियम निकाला था जिसमें आपको और भी समस्या यहाँ से देखने को मिली थी। अब देखते हैं उपस्थिति ही 1.23 लाख भत्ता दिया जा रहा है, 2.25 लाख को, 2.25 लाख व्यक्ति हैं वो भत्ता ले रहे हैं एंड यहाँ पर उपस्थिति 1.23 लाख बेरोजगार भत्तों की है। जनवरी से अब तक बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए 1.23 लाख बेरोजगार सरकारी कार्यालय में 4 घंटे के लिए जाते हैं, जबकि 1.91 लाख बेरोजगारों को दिया जा रहा है खास यह भत्ता। उपस्थित होने वाले ज़्यादातर बेरोजगार लगातार नहीं आ रहे। दोस्तों यहाँ से अब और एक और समस्या आने वाली है कि जो बेरोजगार यहाँ से इंटर्नशिप के लिए नहीं आते उनका कई बार क्या होता है यहाँ से भत्ता मिल भी जाता है, लेकिन आने वाले टाइम पर उनके फॉर्म चेक करके उन्हें यहाँ से ये भत्ता बंद होने वाला है। तो दोस्तों ये कोई खास न्यूज़ नहीं है आपके लिए, ये आपके लिए एक समस्या और आने वाली है जिससे आपको बच के रहना है। तो आपको अपनी इंटर्नशिप सही टाइम पर एंड सही टाइम पर अपलोड करनी है एंड अपना फॉर्म सही तरीके से फिल करना हो। तो दोस्तों आपको न्यूज़ कैसी लगी, आपके लिए यूजफुल है या नहीं है हमें कमेंट करके बताने हैं, और आप इस न्यूज़ के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताना। एंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।